Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poona. जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार स्टेट का, जो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी, और इस प्लेटफॉर्म पे हम डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें कि मैंने बेसिक से बहुत ही एडवांस तक पढ़ाया है। उसमें दो यूनिट ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, जैसे इवोल्यूशन और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और डेटा रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा वो सीरीज। बट आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग, ये दोनों ऑल्टरनेट चलेगा। एक दिन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक दिन नेटवर्किंग, जिससे क्या होगा, आपका साइमल्टेनियसली 3 से 4 यूनिट कवर होते जाएंगे। तो आज से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, और टारगेट हमारा 500 क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी इज द राइट आंसर। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है एप्लीकेशन, एक होता है हमारा सिस्टम, और एक होता है हमारा यूटिलिटी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में कम्युनिकेट करवाता है, और जहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके, कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा रन कर सके। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो पर्टिकुलर वर्क के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे MS Office। तो ये हो जाता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, कि जो हमारा सिस्टम वर्क करता है उसको स्मूथली वर्क करवाने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा एंटीवायरस, या फिर कह सकते हैं जो हमारा डिस्क फ्रेगमेंट करते हैं, तो वहां सब सब क्या वर्क होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, डॉस। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको ओपन सोर्स कहते हैं, और यहाँ पे ओरेकल है और डॉस है। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ओरेकल। ओरेकल क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इन टू द मेमोरी। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, नॉन ऑफ द एबव कहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डॉस। मैक्सिमम लेंथ फाइल का क्या होता है डॉस में, 4, 5, 8, 12, ये कैरेक्टर में होगा, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर। तो जो हमारा कैरेक्टर होता है डॉस में फाइल नेम का, वो होता है 8 कैरेक्टर का। तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है बूटिंग का क्या मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम में, रिया स्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन, टू टर्न ऑफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मतलब होता है रिया स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज पेज फॉल्ट अकर। पेज फॉल्ट कब अकर होता है, द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, द डेडलॉक अकर्स, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, द बफरिंग अकर। तो पेज फॉल्ट कब होगा, जब पेज मेमोरी में नहीं मिलेगा तब पेज फॉल्ट होगा, ऑब्वियस है ना। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। जब कोई कंप्यूटर में फाइल डिलीट कर देते हो तो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में, हार्ड डिस्क में, टास्क बार में, नॉन ऑफ द अबव। तो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबव। जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जैसे इसका सोर्स कोड क्या होता है? पब्लिकली अवेलेबल होता है, जिसमें कि आप मॉडिफाई करके चेंजेस करके एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाता है लिनक्स, और इसके कई सारे फ्लेवर हैं जैसे काली, उबंटु, रेड हैट, जिसके कई सारे फ्लेवर हैं। उसे लिनक्स के ही सोर्स कोड में चेंजेस कर करके कई सारे फ्लेवर्स बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग कॉल्ड? बूटस्ट्रैपिंग क्या कहलाता है? कोल्ड बूट कहलाता है, कोल्ड हॉट बूट कहलाता है, कोल्ड हॉट स्ट्रैप, हॉट बूट। तो जो हमारा बूटस्ट्रैपिंग होता है वो क्या कहलाता है? कोल्ड बूट कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे कोल्ड बूट और हॉट बूट का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कोल्ड बूट होता है और एक होता है हॉट बूट। तो कोल्ड बूट क्या होता है कि जब आप पहली बार कंप्यूटर को ओपन कर रहे हो, जब आप पहली बार कंप्यूटर को ओपन कर रहे हो, जैसे कि बहुत देर तक आपका शट ऑन है और उसके बाद आप ओपन कर रहे हो, तो वो कहलाता है कोल्ड बूट। और हॉट बूट क्या कहलाता है कि जैसे आपका सिस्टम ऑलरेडी ओपन है और फिर से आप रीस्टार्ट करते हो, तो वो क्या कहलाता है? हॉट बूट कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट है कोल्ड बूट का और हॉट बूट का। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज फॉर? फेंस रजिस्टर किसके लिए यूज करते हैं? टू डिस्क प्रोटेक्शन, टू सीपीयू प्रोटेक्शन, टू मेमोरी प्रोटेक्शन, नन ऑफ द अबव। जो हमारा फेंस रजिस्टर होता है उसको यूज करते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज है, मैक है, एमएस डॉस है, नन ऑफ द अबव है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एमएस डॉस है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, वर्ड पैड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल। तो ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये जो है हमारा वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स विंडोज 64 बिट? विंडोज 64 बिट कौन सपोर्ट करता है इसमें से? विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज 1998, नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा 64 बिट विंडोज सपोर्ट करता है वो है विंडोज एक्सपी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं है? विंडोज 7 में नहीं है, विंडोज 8 में, विंडोज एक्सपी, नॉन ऑफ द अबव। तो विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सपोर्ट नहीं करता है प्रोग्राम करना एक बार में बहुत सारा? तो क्या हो जाएगा? लिनक्स, विंडोज, मैक, डॉस। इसका राइट आंसर क्या है? डॉस है। डॉस क्या है? सी एल आई है, कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे कुछ भी हम लोग करेंगे तो कमांड को टाइप करके ही करेंगे, तो यहाँ पे क्या करता है, एक बार में हम लोग एक ही प्रोग्राम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? तो एपीआई, सिस्टम कॉल, लाइब्रेरी, असेंबली इंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम कॉल। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, बायोस इज यूज्ड, बायोस यूज किसके द्वारा होता है? बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो बायोस यूज होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस? इनमें से कौन सा है जो इंटरप्ट नहीं करता है रनिंग प्रोसेस को? टाइमर इंटरप्ट, डिवाइस, पावर फेल्योर, शेड्यूलर प्रोसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा शेड्यूलर प्रोसेस। शेड्यूलर प्रोसेस इंटरप्ट नहीं करता है रनिंग प्रोसेस में। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस प्रोग्राम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम. ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एक्सेसरीज कहते हैं, पेंट कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव कहते हैं. तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एक्सेसरीज कहते हैं. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस को, विंडोज 10 को, प्रोसेस कंट्रोल को. तो यहाँ पे वैरी करेगा आंसर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता था, तो फर्स्ट ऑप्शन है मैक, लिनक्स, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000. तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था विंडोज 2000. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विंडोज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू माय कंप्यूटर. माय कंप्यूटर का जो ऑप्शन होता है, कौन सा विंडोज इंट्रोड्यूस किया था? विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 95, विंडोज 98. तो विंडोज 95. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम. ए इज द राइट आंसर. तो ये आज का 25 क्वेश्चन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के. मैंने एकदम बेसिक से लिया है. कुछ लोग कहेंगे कि ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आएगा ही नहीं. बट बिलीव मी, किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे. बेसिक से आएंगे, मॉडरेट से आएंगे, हाई लेवल से आएंगे. तो जब तक हमारे पास टाइम है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेसिक से एडवांस करेंगे, सो डैट कि क्वेश्चन कैसा भी आए तो हम लोग कर सकें. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए. और अगर फर्दर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वो भी बता सकते हैं, मैं कवर करवा दूंगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो.